बाबा परविंदर आर्य जी जो हिंदू स्वाभिमान के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। मैं यतिमा चेतनानंद सरस्वती, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू स्वाभिमान और दासना देवी मंदिर की मैं सन्यासी हूँ। मैं आज यहाँ पर सभी क्षेत्रवासी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अधिक से अधिक संख्या में दासना देवी मंदिर 12 नवंबर 2015 को सुबह 9 बजे पहुँचे। मंदिर परिसर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है और यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मैं एक प्रश्न सभी लोगों से आज पूछना चाहती हूँ कि जब मुसलमानों के में इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो मुसलमान क्या करने के लिए मंदिर परिसर में आते हैं? इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि सिर्फ इस्लामिक जिहादी हमारी बेटियों को लव जिहाद और रेप जिहाद का शिकार करने के लिए मंदिर परिसर में आना चाहते हैं और बहुत भयंकर गठजोड़ राजनेताओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासन का और इस्लामिक जिहादियों का ये बनता जा रहा है। अगर आज हिंदू समाज ने अपने विषय में, अपने अस्तित्व के विषय में और अपनी संतति की रक्षा के विषय में चिंतन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब 1300 साल का हम लोगों का वो इतिहास रहा है जहां मंडियां लगाकर हमारी बहन बेटियां बेची जाती रही हैं। अगर आज हम लोग ये मात्र दासना देवी मंदिर का सवाल नहीं है, ये संपूर्ण हिंदुओं के अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि यदि दासना देवी मंदिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस्लामिक जिहादियों का शिकार बना तो फिर कोई भी आवाज उठेगी नहीं। ये संपूर्ण हिंदू का सवाल है, हर हिंदू बहन बेटी से संबंधित ये सवाल है। इसलिए आज